नमस्कार बच्चों, आज हम स्पर्श पुस्तिका के पाठ 2 दुख के अधिकार के विषय में पढ़ेंगे। इसके लेखक यशपाल जी हैं। इस कहानी में उन्होंने देश में फैले अंधविश्वास व ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताया है कि दुख की अनुभूति सभी को होती है और दुख मनाने का अधिकार सभी लोगों को बराबर का होता है। इस कहानी में उन्होंने यह बताया है कि मनुष्य की पोशाक यानी उसके वस्त्र उसे विभिन्न श्रेणियों में बांटते हैं। व्यक्ति के वस्त्रों से ही पता लगाया जाता है कि वह किस वर्ग से संबंध रखता है। यही समस्या लेखक के सामने आती है। एक दिन लेखक बाजार में जाता है। वहां पर एक बुढ़िया स्त्री खरबूजे बेचने के लिए बैठी होती है। वह स्त्री अपना मुंह ढक कर मुंह नीचे करके रो रही होती है और जो लोग उसके पास खड़े होते हैं वह उसे हीनता की दृष्टि से देख रहे होते हैं। लेखक भी यह जानना चाहता है कि वह स्त्री क्यों रो रही है, परंतु संकोचवश वह उसके पास नहीं जाता और आसपास के लोगों से पता चलता है कि बुढ़िया का जवान बेटा जो 23 वर्ष का था उसकी मृत्यु हो गई है। लेखक बताता है कि जो बुढ़िया का बेटा था वह 1.5 बीघा जमीन पर सब्जियां उगाकर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था। एक दिन लड़का सुबह सुबह खेत से पके खरबूजे तोड़ रहा था कि अचानक उसका पैर एक जहरीले सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया और बुढ़िया स्त्री ने उसका झाड़ फूक करवाया, दान दक्षिणा करवाई, परंतु इसका कोई लाभ ना हुआ और अंत में लड़का मर गया। और जो वह लड़का था वही अकेले परिवार का एकमात्र सहारा था। उनके घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि वह उसके अंतिम संस्कार के क्रियाक्रम का कर सके। बुढ़िया ने अपने घर में जो बचे हुए गहने पड़े हुए थे उसे बेच दिया और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करवाया। अब चिंता थी कि अब खाने की समस्या को कैसे दूर किया जाए। अगले दिन उसके पोता पोती भूख से बिलख रहे होते हैं और उसकी बहू को बहुत तेज बुखार हो जाता है। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं होता और इतने पैसे भी नहीं होते कि बहू की दवाई लाई जा सके। बुढ़िया रोती बिलखती उठती है और खरबूजे की टोकरी को सिर पर उठाकर फुटपाथ पर जाकर बेचने के लिए चली जाती है। उसकी मजबूरी को कोई नहीं समझता। जब वह फुटपाथ पर जाकर खरबूजे बेचने के लिए बैठती है तो वह घुटनों के नीचे सिर देकर रोने लग जाती है। आसपास के जो लोग होते हैं उसे हीनता की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। वह कहते हैं कि देखो, इसके बेटे को मरे अभी कुछ समय भी नहीं हुआ और यह खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आ गई है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि अगर इसके खरबूजे कोई व्यक्ति खरीद लेगा तो उसका धर्म ईमान तो भ्रष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति कहता है कि इन्हें धर्म ईमान की क्या चिंता। इतने में एक व्यक्ति उनके पास आता है। वह कहता है कि हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया स्त्री का जवान बेटा मर गया था और उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद मूर्छा आने लग जाती थी। वह अपने पुत्र के वियोग में पागल जैसी हो गई थी और एक डॉक्टर उसके सिरहाने हर समय बैठा रहता था। इस बात को सुनकर बुढ़िया स्त्री के मन को बहुत दुख पहुंचता है। वह सोचती है कि ये समाज सबको अपनी पोशाक के जरिए से ही देखता है। क्या उस बुढ़िया का दुख और मेरा दुख कम है? उसके भी जवान बेटे की मृत्यु हुई थी और मेरे भी जवान बेटे की मृत्यु हुई, परंतु मैं मजबूरी में घर से निकली हूँ क्योंकि मेरे पोता पोती भूख से बिलख रहे हैं और बहू बुखार से तप रही है। उनके लिए कुछ पैसों की जरूरत है और अपनी जिम्मेवारियों को उठाने के लिए मुझे घर से निकलना पड़ा। इसी बात पर लेखक टिप्पणी करता हुआ कहता है कि क्या उस बुढ़िया को दुख मनाने का अधिकार नहीं था? क्या उसे शोक करने का अधिकार नहीं था? क्यों? क्योंकि वह निर्धन थी। कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति को क्या दुख मनाने का अधिकार नहीं होता? यह समाज गरीब व्यक्ति को, निम्न वर्ग के लोगों को हीनता की दृष्टि से देखता है और उनके दुख को दुख नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त यदि अमीर व्यक्ति को कोई दुख होता है तो सभी लोग उसके साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उसे सहानुभूति देते हैं और उसके दुख में उसका सहारा बन जाते हैं। इसके विपरीत अगर गरीब व्यक्ति को कोई दुख होता है तो उसे कोई सांत्वना देने वाला नहीं होता क्योंकि वह निर्धन होता है। इस कहानी में यह बताया गया है कि हमें इस समाज को इस दृष्टि से ऊपर उठाना होगा, तभी यह समाज ऊंचा उठ सकेगा। और इस कहानी में जो समाज की विसंगति की अत्यंत मार्मिक चित्रण को बताया गया है
उससे हमें यह पता चलता है कि केवल दुख मनाने का अधिकार अमीरों को ही है, गरीबों को दुख मनाने का, शोक मनाने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद।